जय श्री साई। डी टीवी रो एक नूतन प्रयास जो थे कि देश विदेश विभिन्न प्रांतर साई भक्त मानकर अनुभूति को नहीं अनुभव रे साई बाबा अध्याय आरंभ हो आज अध्याय रे पुणी एक अनन्य भक्तंकर अनुभव रो कथा सुनिबा। से होचंती गीता महांती जे कि तांकर बयस 70 पाखापाखी हेलानी भुवनेश्वर सत्य बिहार से रुहंती अनुभव कथा सुनले सतरे आश्चर्य लगे सतरे कौन यहाँ संभव हो पारे। तांकर निजर प्रचेष्टा रे सी गोटे स्कूल टीए करिचंती जहार ना होची शिक्षाश्री इंग्लीश मीडियम स्कूल। स्कूल टी बहुत अनेक दिन आरंभ होई आज पर्यंत स्कूल चली सीटा निजे चलाउचंती केते छोट छोट पिला मनीष कर तार हिसाब ना ता संगे स्कूल रे शिक्षकता करिबा संगे निजे स्कूल रो प्रिंसिपल होई मध्य सीए तांकर परिवार टी को बहुत सुंदर भाव में चलाई पिला माने बड़ हो गले समस्ते भाषा है कि संसार करिगले किंतु सब जिनस जमी चली भितर सीए बाबा भूली नहांती बाबा पूजा करुचंती किंतु से पूजा टी केमिति आरंभ हला आमे सेठु आरंभ करिबा अनुभव रो कथा। सीए टीवी रे बाबा कथा देखती बहुत पूजा पूजी होउची बाबा विषय चली चर्चा सी भी केबे भाबी नहांती जे बाबा आणिकी सी ठाकुर घरे पूजा करिवे बोली किंतु तांको मन भितर टिके टिके होता है बाबा पूजा कले बोधे भल हुंता पुणी तांको मन भितर थाए जदि सीढ़ी रु तांको केही आनी फोटो दिए ताहले से बाबा रखिकी तांको पूजा करे पूजा करिवे। ए कथाटी मनरे थाए तांकर सानो भौणी सबु बेले सीढ़ी जांती प्राय सबु वर्ष सीढ़ी जांती गीता महांती स्कूल रे तांकर एते प्रशंसा करती जो अभिभावक माने आउ सी सब पिला मानकु एते स्नेह करती जेमती माँ भली तांकु प्रकृतरे समस्ते गीता माँ बोली डाकंती। तो गीता माँ इच्छा जे सीढ़ी रू जदि फटोटी आसे सी ठाकुर घर रखी पूजा करिवे सान भौणी की कही था तू जाऊ सीढ़ी मोप गोटे फटोटे आणबू सान भौणी कही था हाउ जदि सुविधा हम नहीं आसवि से दिन थाए गुरुवार गीता माँ जा ठाकुर घरे पूजा करुचंती पूजा आरंभ करने बस सही समय सान भौणी आउ भौणी ज्वाई गोटे सिरडी साई बाबा फटो सिरडी आसी पहुँचिकी से फटोटे धरी आंक घरे आसी पहुँचिले अपा अपा डाकिकी जिते घर को पशिगले गीता माँ मन तो बहुत खुशी होगा बोध हुए फटो आसला आज गुरुवार सतुकु सत सी पूजा घरे बस फटोटी आसी पहुँचला से गोटे प्रथम आश्चर्य जिनस घटला तांकर पूजा घरे जो आस्थान अच्छी सबु देवादेवी अच्छा जमी समस्त घरे था सबु देवादेवी फटो अच्छी किंतु किसी जगह से गोटे गैप होती से जो खाली जगह थी ए जो सीढ़ी फटोटी आसला से ठीक से खाली जगार खाप खाईगला मन तर बहुत खुशी होगा भौणी भी कहले कौन तुमर ये ठाकुर घर ये जगटा बाबा खाली थी कि सत कथा तो ठीक समान भाव में केमी से फटोटी आडजस्ट होजा आस्थान में समस्त सागे रहा से दिन ठार् गीता माँ सिरडी साई बाबा पूजा आरंभ कले एमती भी सी सबुदे पुनः फूल माल तैयारी करती बहुत भलि दीप धूप दे भोग दे पूजा पूजी करती गुरुवार अन्न भोग भी दिखती ठाकुर को एमती चली था स्कूल भी भल चली था सब ठीक ठाक चली था ये भितर जीवन में गोटे बहुत दुख घटना घटला स्वामी स्वर्गत कमलोचन महांती चाकरी रु जस्ट रिटायर्ड कर तो अल्प दिन आगु रिटायर्ड कर बर्षे खंडे रिटायरमेंट पर कमल बाबू भल था सीए बहुत शांत सरल अमायिक व्यक्ति बर्षे पर जमी बहुत लोक यहाँ भी घटी बहुत जन लोकों पाखे घटी थाए जमी चाकरी सरीगला लोक भावती हाथ में आज किसी कम नहीं सी जमी आउ कि मूल्य ही ना जीवन में कमल बाबू जीवन में भी ठीक जमी सेमती हो गला बर्षे खंडे रहिले जहाँ जमी भल रोग आरंभ हो गला देहटा पूरा फुली गला बहुत बार तांको हॉस्पिटल नियागला गीता माँ गोटे पुओ बापा से बहुत सेवा करी बारंबार हॉस्पिटल जाती एडमिट हूँ पुणी घर को आसवे देहटा फुली गला जना पड़ा हूँ लिभर सोरियासीस पिठी फिठी सी भी कमल बाबू तांकर एमती भी चेहरा बहुत मोटामोटी हो जड़े लोक एमती देह फुली गला तांकर सब जमी स्किन सब फाट फाट हो गला बहुत कष्ट था पुणी पुओ तांकर बहुत चेष्टा करे गीता माँ भी बहुत चेष्टा करती केमती भल रखे रिटायरमेंट अल्प दिन हो 62 वर्ष हो ना ये कष्ट जड़े पाइब किए भी देखिपर पर हस्पिटाल एडमिट करती से सब प्रकार ट्रिटमेंट हुए टी के भल होते कि नहीं पुणी पलि आसती
एमती अनेक दिन बर्षे पर्यंत सी एमती घाँटी होती खावा पीबारे ये न था पार्टी को भी भल खावा जाऊन थाए जोबले पिठी से घाइला बिछा शोपार बहुत जंत्रणा यही समय गीता माँ कौन कले गोटे न गुरुवार व्रत आरंभ कले मन में बहुत व्यस्त थाए कहीं स्वामी एमती कष्ट भल भी हो न गुरुवार व्रत आरंभ कले से ही समय आते देखिले डाक्तर मैंने भी कहले आर आउ ट्रीटमेंट कौन एमती मेडिसिन चलो एमती चलो आउ कि ना मानने यही टाइप शुणीगला माँ पु बहुत दुखी हो गले से ही समय गीता माँ कौन कले कि आते आश्रा पाइले कारण डाक्तर चिकित्सा तो चली हाथ में आउ कि ना गीता माँ कौन कले बाबा उदी आणिकी कमलबाबू पिठी सारा बोलीदे उदी को पानी पकईकि ग्लास पीवाक दे बाबा पूरा दायित्व जमी कमलबाबू से देदे कहले बाबा आमे जहाँ चेष्टा करने कथा करूँ आम हाथ में आज किसी ना जहाँ करेंगे आपण ही करेंगे से ही समय गीता माँ जे बड़ भौणी सी भी गोटे बाबा बही था कमलबाबू मुंड पाखे से हस्पिटाल बेड्रे भी से बही खंडिक तू रखि था ये सेठ से साई बाबा बहीटी भी मुंड पाखे रखी था एमती एमती भितर ट्रिटमेंट चली थाए बहुत जंत्रणा भितर कमलबाबू हठात किना कोमा को चलीगले से बहुत कांदब बड़ी पड़ता है पिला माने कंदाकटा करमा को चलीगला मैंने आशा भी कौन रन को टाण कर बाबा उपर तो छाड़ी ये उदी लगेबार आदी को पाने पकईकि पिहबार अल्प दुई दिन भितर हठात देखागला कमलबाबू रिकवर करें एत बड़ ईर से रिकवर करठात जमी सी जमी निदर शोले उठिक कथबार्ता करने आरंभ करदे यही नीलाचल हस्पिटाल सी था भुवनेश्वर नीलाचल हस्पिटाल जमी कथबार्ता करने आरंभ करदे समस्ते आश्चर्य हो गले इकी कथा जी आखि फिटौ ना देह सारा घा भर्ती होगला डॉक्टर भी आशा छाड़ दे कौन उठी कथबार्ता करदर आखि मलम कर उठी पड़ती कौन है कमलबाबू जो कथबार्ता करने आरंभ कले समस्त जी सब बंधु बांधव पिला समस्त भलमंद कथा पचार आरंभ कले भी एमती मूलर तर भारी खाइबार बहुत सौक बहुत जिनस खाती से जो जमीत कथबार्ता स्टार्ट कले से सी किसी मन पसंद जिनस खाइबापी भी इच्छा कले एम आणिक खावाक दे गीतामा आज भी कहती से कथा कहला बेलूर आखि छल छल हो आसे जे बाबा अनुभूति कथा कौन कहबी तर स्वामी कमलबाबू जमीक मृत्युर पूर्व कि सी पुणी जमी जी उठिले बंचीगले जे जो जन्म अच्छी से मृत्यु अच्छी एक कथा तो संसार रे समस्त को जना से कथा भी गीता माँ मन को बुझे किंतु जी दिन पुणी पंदर दिन गोटे कोमारु पुणी पछकू फेरी पुणी जमती कथबार्ता करवा समस्त सांगे भलमंद पचार भलमंद खावापी इच्छा करवा यहाँ भी किसी कम कथा नुह भल भाव से जो पंदर दिन जो जी गले मृत्यु पूर्व से गीता माँ गोटे बहुत बड़ अनुभूतिर कथा रहीगला पंदर दिन पर पुणी थे सी आउ थे सेमती देह खराब हवा को लगला तापर सी चलीगले संसार छाड़ी चलीगले बेस बयस हो ना 63-64 वर्ष हो बहुत दुख आसला घरे किंतु से जो पंदर दिन मृत्यु पूर्व बाबा उदी लगे जो जंत्रणा कमीगला बाबा उदी पानी पकईकि जिते सी पाइले जिते पुणी गोटे जमती भल लोक पड़ी जो 10-15 दिन से बंचीगले से ही 15 दिन जमती पूरा परिवार पे बहुत गोटे बड़ आशीर्वाद थिला बाबांकर से माने बहुत गीता माँ तो सबुबले बाबा को प्रथम रू भी भरोसा करते एवं भी सी कहते से घटना केवे भी सी भूली पारे से बाबा जो आशीर्वाद से सबुबापी जमी अविस्मरण ही रही स्वामी से जो 15 दिन भल होगा से कम कथा नुहे आज भी गीता माँ को 70 वर्ष पखापाखी होगा बसला स्कूल आज भी चली करोन भी के स्कूल बंद करना कम कर चलते ए पचारे सी जे तुम एत आपड़ कौटू शक्ति पाँच केमी कम कर छोट पाने संगे सब समय कटूँ सी कहते मोर आजर बोली किसी ना मुझ से बाबा छाड़ी सी मोर स्वामी देह खराब हो कि पिला बाहर को नहीं हूँ कि घर टे या हो कि मो स्कूल को करोना समय जमी सब बंद हो जाता से स्कूल चलवा हूँ सब जिनस पूरा भार मो जीवन रबा सी ही मत शक्ति दौंस आग को जीवापी ये तो थिला आमर भुवनेश्वर गीता माँ अनुभव कथा एमती आउ एक नुआ अध्याय पुणी थे आउ जे अन्य अनुभव अनुभवी कथा नहीं कि पुणी थे आसवा आजपाई ये सायराम जदि आपण जीवन में व्यक्तिगत
पारिवारिक समस्या, कर्म क्षेत्र निजुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकू जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। ऑडियम क्लिनिक सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठरे शिशु वयस्क मानकर श्रवण यंत्र, वाटरप्रूफ श्रवण यंत्र, स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8050604137 9337868504। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।